राधे राधे। तो आज हम जा रहे हैं गोवर्धन। आज हमारा सेकंड डे है। वैसे मेरे को तो ये थर्ड फोर्थ दिन लग रहा है, इतनी जल्दी टाइम निकल रहा है, पर आज है टेक्निकली हमारा सेकंड डे और हम आज जा रहे हैं गोवर्धन। मैंने वैसे साड़ी पहनी है और साथ में ना मैंने जैकेट ले ली है क्योंकि मैंने सुना है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो पहले तो मैं ऐसे ही जा रही थी, फिर मैंने सोचा ले लेते हैं सेफ साइड पर जैकेट, गाड़ी में ही जाना है, नहीं ठंड हुई तो गाड़ी में रख देंगे। कितने प्यारे लग रहे हैं लड्डू वाले, देखा ना, कुछ खाया भी नहीं खास किया, सिंपल से कपड़े पहने ना, कोई ज्वेलरी पहनाई है खास। ये है वृंदावन का वो। अरे कहना क्या चाहते हो नूर? तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। तो अभी हम निकल पड़े हैं गोवर्धन के लिए। पापा यहाँ पे शायद से टायर में हवा वगैरह चेक करवा रहे हैं और उसके बाद हम गोवर्धन की परिक्रमा के लिए नहीं जा रहे इस बार। हम जा रहे हैं, हमारे जो पंडित जी हैं वो है गोवर्धन के, राधा कुंड के आसपास का कोई गांव है, तो हम जा रहे हैं आज उनके घर पे क्योंकि उनके घर में है आज कोई फंक्शन। और हमारे लड्डू गोपाल लग रहे हैं बहुत ही ज्यादा सुंदर, मेरा और इनका हमेशा की तरह है ट्विनिंग। और ये हमारी राधा रानी, विप्र को हजार बार कहा इनको यहाँ पे घूंघट में रखा करो, ये इनका ससुराल है, मायका नहीं। यहाँ पे वृंदावन में ना ये रिचुअल है, जितने भी मंदिर है, बांके बिहारी का मंदिर है, राधा वल्लभ का मंदिर है, हर मंदिरों में ना राधा रानी है, पर उनका घूंघट किया हुआ है यहाँ पे क्योंकि इतनी सुंदर है ना राधा रानी। अगर राधा रानी ओपनली ऐसे रही, घूंघट में नहीं रही, तो कोई भी कृष्ण भगवान को नहीं देखेगा, ना राधा वल्लभ को, ना बांके बिहारी को, सब राधा रानी की ही तरफ देखेंगे, तो इसलिए उनको रखते हैं घूंघट में। और वैसे भी वृंदावन का ससुराल है तो यहाँ पे घूंघट में ही रहती है। हमारे 84 को उसकी परिक्रमा लगती है ब्रजमंडल की, तो वो पूरे राजस्थान में ही पड़ता है उसका हिस्सा, कुछ हरियाणा में पड़ता है, पड़ता है। तो वो कितने दिन में होती है? वो हमारे यहाँ के लोग तो 7-8 दिन में कर लेते हैं, लेकिन जैसे लोगों पर नहीं लगेगी इतनी, हमने भी नहीं देख पाए। आओ आप भोजन करो पहले। तो ये क्या चूरमा? पर वो अलग होता है, ये अलग तरीके की बाटी है पा, है ना? और अंदर स्टफिंग भी अलग है इसकी। तेरा खत्म नहीं हुआ अभी तक? नहीं। 4 जन्म लगेंगे तुझे। क्यों, तुझे क्या? पर डलवाना कम था। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अब वो क्यों हो रही है? पर ये भी डाल दो, वो भी डाल दो, चूरमा दे दो, दो दे दो, एक नहीं। लोगों का यहाँ तक पेट भरता ना, मेरा यहाँ तक भर गया। लास्ट के 2 चूरमा मैंने इतनी मुश्किल से, मैंने इतनी मुश्किल से खाए थे लास्ट के 2 चूरमा, उन्होंने डाल तो दिए, मैंने कहा यार मैं कैसे मना करूँ। कितना प्यार है। ये कितने दिन का है? ये 10 दिन हुए अभी इसको। अच्छा, खटिया निकाल रहे छोटे से। Thank you.
अरे बहुत ही अच्छा है। कहीं भी बजाओ आप, आवाज ऐसे करना है, मारना है। जो सिला है ना, ये जो पत्थर है, ये पत्थर नहीं है, ये गिरिराज पर्वत की सिला है। अच्छा। गिरिराज पर्वत आज से 5,700 वर्ष पुराने गिरिराज जी थे। अच्छा। उस समय 21 हाथ की हुआ करती थी, 21 हाथ मतलब 650 फुट की सिला हुआ करती थी। जब श्री जी नानी के यहाँ पे आया करती तो पुराने समय में खिलौने नहीं होते थे, तो नानी जो थी ना राधा रानी को इससे बजा के खिलाया करती थी। आज भी इसमें से अलग अलग प्रकार की बजाती थी, बजा के दिखा देती हूँ आपको। धीरे धीरे बजाना इसे। अभी हम राधा रानी जी के नानी का जो गांव है वहाँ पे गिरिराज जी के मंदिर थे, प्राचीन मंदिर से ज्यादा ये है ननिहाल जो। ठीक है, मैं तो कितना सुंदर है यार, कितनी शांति जगह है ना। राधा जी की नानी का घर, ठीक है, बीच में ऊपर राधा रानी, राधा जी है बीच में, ठीक है। हाँ जी, इधर राधा जी की माँ है कीर्ति देवी, ठीक है, और इधर नानी है मुखरा देवी, ठीक है। नानी का नाम मुखरा देवी था, इसलिए ये गांव है मुखराई। ऑल इंडिया में ये तीनों दर्शन ये साथ और कहीं नहीं मिलेंगे। चाचा चाचा, ओ माधव बाबन के दर्शन। माधव बाबन तो 5 बजे लगा रहे, क्यों क्या बजे? 5:30 बजे कह रहे हैं जल्दी करो नानी। जैसे प्रेमानंद इन दोनों की वजह से हुए। हाँ जी, ब्रजवासी और कन्हैया जी का ऐसा तालमेल है ना कि कन्हैया जी की ही ब्रजवासियों के ऊपर कृपा है। जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी और सबका गुरु ब्रजवासी। क्रांति सोले बाकी फुल क्रांति। हम हसीन की बात कहेंगे, तुम जो बताओ ना कहाँ तक गई तुम, चोर लगी तो खाओ तुम। अरे मैं तो विदेशन में गई हूँ। ये गांव है राधा रानी का ननिहाल। यहाँ पे आने का हमारा दूर दूर तक कोई प्लान नहीं था, इतना पता था कि हमें पंडित जी के घर पे जाना है, वहाँ पे फंक्शन है, पर ये इस गांव में होगा ये हमें कभी भी नहीं पता था। और जब पापा ने आधे रास्ते में बताया कि मुखरई गांव जाना, हमने कहा अच्छा मुखरई जा रहे हैं हम, वहाँ यार सुबह के आए, अब हम रात को निकल रहे हैं यहाँ से। टाइम क्या हो रहा है, 6:15 बजे यहाँ से निकल रहे हैं। और जो खाना खाए आते ही गोवर्धन से वापस, और थोड़ा सा खा पी के रेस्ट करके अभी हम जा रहे हैं बाजार। इनका देखो फोटो सेशन है, क्या अगर ये खराब हुई तो मैंने कल वापस करवा देनी। ठीक, इसमें और कलर पड़े आपको। तो शॉपिंग हमारी हो चुकी है, अभी हम रिस्क ले रहे हैं बांके बिहारी मंदिर जाने का। सब बंद है, बाजार दुकानें सब बंद हो चुके हैं, मंदिर भी बंद हो चुका होगा, और फिर भी हम वहीं से ही निकल रहे हैं। और मैं जल्दी में इसीलिए बोल रही हूँ कि यहाँ पे बंदरों का बहुत ही तगड़ा आतंक है, तो ये ना हो मेरा फोन ले जाए, ब्लॉग रह जाए धरा का धरा। प्रोग्राम तेरी दिखा फोन
सो अभी टाइम हो चुका है 12 बजे के आसपास टाइम हो चुका है और अभी हम सोने लगे हैं। हमारा आज का दिन बहुत ही अच्छा था। हम गए गोवर्धन, वहाँ पे हम गए हमारे जो पंडित जी हैं उनकी तरफ से मुखरई गांव, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, बिल्कुल भी प्लान नहीं था वहाँ जाने का, पर फिर भी राधा रानी ने हमें वहाँ पे बुलाया और वहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे लोग मिले। फिर हम आए वापस वृंदावन और वृंदावन में फिर हम गए रात को, जब मंदिर बंद हो चुका था बांकी बिहारी जी का, तब हम गए बाहर से माथा टेका, थोड़ी सी की शॉपिंग और वहाँ पे भी मुझे मिले बहुत ही प्यारे हमारी यूट्यूब फैमिली के लोग और उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया और हम आ गए हैं अब रूम में वापस। खाना वाना खाया और अभी हम सोने लगे हैं। सुबह हमें जाना है जल्दी। कहाँ जाना है उसके लिए आपको देखना पड़ेगा हमारा नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, राधे राधे, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। हाय गाइस, यूट्यूब में लाइक करें, शेयर करें।